पृथ्वीपुर में 7 फरवरी को आयुष विभाग में पदस्थ नर्स की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पृथ्वीपुर पुलिस ने बताया कि घटना के बाद महिला के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि घटना सुबह करीब 4 बजे महिला घर से निकली थी। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी फुटेज में एक कार घटना स्थल की ओर जाती दिखाई दी। कार के नंबर के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की गई। इस दौरान मुख्य आरोपी अनिल चतुर्वेदी ने कबूल किया कि उसके महिला के साथ अवैध संबंध थे और महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इससे परेशान होकर उसने सुबह 4 बजे महिला को घर से बाहर बुलाया और कार से टक्कर मार दी। इसके बाद डंडे से उसने सिर पर कई प्रहार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। वो अनिल चतुर्वेदी आयुष विभाग में है, कंपाउंडर के पद पर रेगुलर करवाने पदस्थ है। उसके द्वारा अपने साथी रोहित यादव के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे जो बातें और जो तथ्य सामने आए हैं, उसकी अनिल चतुर्वेदी के काफी समय से इन महिला के साथ संबंध रहे हैं, उनके घर इनका आना जाना रहा है और कहीं ना कहीं इनसे उस महिला ने बोला कि भाई तुम्हारे परिवार को जानकारी पहुंचा जाएगी, थाने में जानकारी पहुंच जाएगी। और कहीं ना कहीं उनका एक मकान के घर के पास ही मकान निर्माणाधीन है, काफी अच्छा मकान है। क्या पूरा मामला? 7 फरवरी को पृथ्वीपुर क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी यहां पर मिली थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तत्काल हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामला गंभीर था और पृथ्वीपुर शहर का मामला था। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर SDOP और थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई थी। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और आवश्यक दिशा निर्देश टीम को दिए गए थे। लगातार हम लोगों ने CCTV फुटेज, साइबर सेल की मदद से उस हत्याकांड में लिप्त दो आरोपियों को पकड़ लिया है, अनिल चतुर्वेदी और रोहित यादव। ये दोनों पकड़े गए हैं और जिस हत्याकांड में इन्होंने अल्टो कार का इस्तेमाल किया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो सर क्या लग रहा है, प्री प्लान्ड मर्डर? निश्चित रूप से, क्योंकि अनिल चतुर्वेदी के जो ANM थी, नर्स थी, इनके साथ संबंध थे और वो कहीं ना कहीं उनको पैसे देते रहे हैं और लगातार इसी से छुप ढोके इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या सर महिला के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही है? ब्लैकमेलिंग तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ उसको, लेकिन ये जरूर था कि कहीं ना कहीं उनके संबंध थे, उससे पैसे की मांग की जा रही थी और फाइनेंशियली अनिल चतुर्वेदी इतने सक्षम नहीं थे, तो उससे दुखी होकर कहीं ना कहीं इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। सर किस तरीके से हत्या की? इसमें इन्होंने अपने साथी रोहित यादव के साथ अल्टो कार में बैठ के सवेरे 4 बजे इस महिला को बुलाया था और जब वो अपने घर से बाहर निकल के आई तो पहले उसको टक्कर मारी और उसके बाद एक डंडे से उसके सिर पर घातक प्रहार किए, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई। कैसे प्रोसेस अंजाम तक पहुंची, कैसे आरोप? मैंने आपको बताया कि CCTV, हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क और साइबर सेल की मदद से हमने सारी चीज डिटेक्ट करी है और आरोपियों को पकड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।